शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो। कर्म सिद्धांत भगवान ने जो समझाया है और आज दिन तक भी हम जानते उस सिद्धांत को, और वो सिद्धांत यही है जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये कर्म सिद्धांत है और ये स्पिरिचुअल लॉ कहो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्म कहो, इतना एक्यूरेट है कि उसमें भगवान कुछ नहीं करता है। हमारे कर्म ही फाइनलाइज करते हैं। हर कर्म का जो प्रत्युत्तर है वो हमें प्राप्त होना ही है। जैसा किया वैसा प्राप्त होगा, जितना किया उतना प्राप्त होगा, और जो करेगा सो पाएगा। अटल है, इस नियम को कोई चेंज नहीं कर सकता है। संसार की कोई शक्ति नहीं है जो इस नियम को बदली कर दे। इसलिए अगर हम आज इस बात को समझ ले, इस सिद्धांत को समझ ले, तो शायद आगे के हर कर्म के प्रति हम जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, उसमें भगवान का कहीं रोल नहीं है। मुझे याद आता है महाभारत का वो दृश्य कि जब पांडवों में से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन दोनों भगवान से मदद मांगने के लिए जाते हैं, और कहा जाता है कि उस समय भगवान लेटे हुए थे, दुर्योधन सिरहाने जाकर के बैठ जाता है, अर्जुन पैरों के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही भगवान की आंखें खुली तो अर्जुन को सामने देखा, और देखते ही कहा, अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाएगा। अर्जुन ने कहा ठीक है, तुम मांग लो। उस वक्त भगवान ने यही कहा कि ठीक है, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए बोलो। और एक वाक्य जोड़ दिया वहां पर भगवान ने, बहुत सूक्ष्म, और वो वाक्य था कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सारथी जरूर बन सकता, सारथी बनकर के रथ चलाऊंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा।
जीवन भी एक संघर्ष है और इस संघर्ष में, युद्ध में, जहां हर कदम व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है, इस युद्ध में भगवान सारथी बन सकता है, लेकिन हमारे बदले वो युद्ध करे, ये कर्म की गुह्य गति अलाउ नहीं करती है कि भगवान हमारे कर्म में इंटरफियर करे। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यानी तुम्हारा जो जीवन का युद्ध है तुम्हें ही लड़ना होगा, मैं सारथी बनूंगा, गाइडेंस जरूर दूंगा, इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बदले युद्ध करूं ये संभव नहीं है। तो भगवान हमारे कर्मों में इंटरफियर नहीं कर सकता है, कायदा नहीं है। हमारे जीवन का युद्ध हमें खुद लड़ना होगा और उसके लिए पास्ट के जो कर्म है वो सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार के या किस क्वालिटी का जन्म होगा और किस क्वालिटी का जीवन यात्रा होगी। इस जीवन यात्रा को भी हमारे कर्म फाइनलाइज करते। आज अगर हम अपने आप को देखें एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर के रूप में और हम ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अगर जीवन की क्वालिटी अच्छी है हमारी, अच्छे घर में, अच्छी शिक्षा के साथ हम बड़े हुए, सभ्यतापूर्ण हमारा जीवन है, भाग्य है, ये बहुत बड़ा भाग्य कोई अच्छे कर्मों का फल है, परंतु इस जन्म में ऐसा कोई कर्म न हो जो आगे का जीवन यात्रा हमारी कहीं न कहीं कोई तकलीफ की अनुभूति करा दे और अच्छे से अच्छा बन जाए, बहुत अच्छी बात है। तो कर्म सिद्धांत जो है उसको हमेशा स्मृति में रखते हुए जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो हर समय एक जागृति के साथ कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे।